आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया, लेकिन बैंकों में व्यवस्था बनती नजर नहीं आ रही। आलम यह कि लोगों को कतारों में फंसकर परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ रहा। कोरोना से जंग जीतने के लिए सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला लागू कर रही है, लेकिन व्यवस्थाओं को आगे ये फॉर्मूला फ्लॉप नजर आ रहा। राजधानी जयपुर के आमेर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लोग झुंड बनाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जब आमेर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पीएल मीना से सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बैंकों के बाहर लोग अधिक संख्या में एकत्र ना हो, इसलिए लोगों को इस एक मीटर दूर के दायरे में खड़ा किया जा रहा। ग्राहकों के लिए गेट पे सैनिटाइज रखी हुई है और आधा आधा मीटर के गोले बना के सबको ये रखा है, भाई आधा मतलब एक एक मीटर पे दूरी पे खड़े रहे सभी लोग। अच्छा, आपके इस आमेर के क्षेत्र में कितने कियोस्क हैं? हमारे आमेर में 5 कियोस्क हैं। भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है, मैं उसका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा हूं और लोगों से भी यही सलाह देता हूं कि पूर्ण रूप से 21 दिन का जो मोदी जी ने लॉकडाउन रखा है उसका पूर्ण रूप से सहयोग करें और हमारा भी सहयोग करें। हम इसके लिए अपनी दुकान 10 से 5 जो हम बैंक की सेवाएँ देते हैं, रेगुलर हम सेवाएँ दे रहे हैं। एक एक ग्राहकों को हम दूरी बनाने के लिए 2-2 मीटर 3-3 मीटर जितना भी डिस्टेंस रखते हैं उतना डिस्टेंस रखने के लिए कह रहे हैं और सभी का सैनिटाइजर से हाथ धुलवा करके उनका विड्रोल करके उनको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हम ग्राहकों को एटीएम से आधार कार्ड से योनो से हर तरह से बैंक की सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। आमेर से रोहन शर्मा की रिपोर्ट।